Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. I'm Srikant Kalinder. Friends, in today's video, I would like to share with you the announcement of NTA NET JRF December Cycle 2020 exam, which will be going to held in May 2021. दोस्तों, हर साल NTA एक साल में दो एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन पिछले बार का एग्जाम December 2020 का कोरोना की वजह से कैंसिल हुआ था, तो वह एग्जाम अब होने जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों का पिछले अटेम्प्ट में नेट क्लियर नहीं हुआ, जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ, उन लोगों के लिए ये तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने एक ब्रोशर अपने साइट पे दिया है, तो उसको हम आज देखेंगे। सबसे पहले शेड्यूल देखते हैं एग्जाम का। तो देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑफलाइन इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आप UGCNET.NTA.NIC.in इस वेबसाइट पे भी जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वह 2 फरवरी 2021 से स्टार्ट होके 2 मार्च 2021 तक रहेगा। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस का लास्ट डेट रहेगा 3 मार्च 2021। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज उनका फीस है, ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी है, और ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 उनका फीस है। करेक्शन करने के लिए लास्ट डेट क्या है, 5 मार्च टू 9 मार्च 2021। और एग्जाम होगा अपना 2 मई से 17 मई तक 2021 में। ड्यूरेशन होगा एग्जाम का 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स एंड नो ब्रेक बिटवीन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। दो पेपर आपके होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों के बीच में कोई ब्रेक यहां पे होने वाला नहीं है। एग्जाम का टाइमिंग होता है फर्स्ट शिफ्ट में 9 AM टू 12 PM, फिर सेकंड शिफ्ट में 3 PM टू 6 PM। एग्जाम अपना ऑनलाइन मोड रहेगा। तो एप्लीकेशन कैसे करना है, यहाँ पे उन्होंने डिटेल में दिया है। सबसे पहले रजिस्टर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग योर ओन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है, तो उसके लिए आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यूज कर सकते हो आप। तो जो सिस्टम एप्लीकेशन नंबर जनरेट करता है वो आपको नोट डाउन करना है। फिर सेकंड स्टेप में कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्म है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है, और फिर सिस्टम ने जो नंबर जनरेट किया है वो आपको नोट डाउन करना है। फिर यहाँ पे उन्होंने फोटो का साइज दिया है, फोटो का साइज जेपीजी या जेपीजी जो फॉर्मेट रहता है उसमें 10 KB से 200 KB तक है फोटो, और फोटो कलर ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा लेकिन विदाउट मास्क फोटो चाहिए। और सिग्नेचर का साइज उन्होंने दिया है 4 KB टू 30 KB। फी पे फिर बाद में आपको फी पे करना है, वहाँ पे ऑनलाइन ही है। फिर कन्फर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी डाउनलोडेड एंड ए प्रिंट आउट ऑफ द सेम मे बी रिटेन्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फिर आपको कन्फर्मेशन का जो पेज है वो डाउनलोड करना है, फिर उसका प्रिंट आउट लेना है, क्योंकि फ्यूचर के लिए आप वो एक एविडेंस के तौर पर रख सकते हो। The confirmation page of the online application form could be generated only after successful payment by the candidate. Candidate अगर successful payment करता है तो last में उसका confirmation page जो है वह download हो सकता है। फिर उसके बाद important यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, NTA के बारे में कुछ चीज़ें हैं। The Ministry of Human Resource Development MHRD, which is now known as Ministry of Education,
पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसे हम MHRD कहते थे, वह बदल के अब क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कॉमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एस्टैब्लिश किया है। बहुत बार पेपर फर्स्ट में भी यह क्वेश्चन आता है कि NTA को किसने एस्टैब्लिश किया, इजी ऑप्शन रहते हैं, लेकिन हम ये चीज़ें पढ़ते नहीं, इसीलिए एग्जाम के टाइम पे वह गलत क्वेश्चन करके हम वापस लौटते हैं। तो देखते हैं NTA के बारे में। NTA एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस एंड सेल्फ सस्टेन प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। NTA क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस है और सेल्फ सस्टेन है। उसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से है, फॉर कंडक्टिंग इफिशियंट ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टेस्ट इन ऑर्डर टू असेस द कंपेटेंसी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू प्रीमायर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो, उसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हो और कॉम्पिटेंसी अच्छी रहे, इसीलिए NTA एग्जाम कंडक्ट कराता है। द NTA हैज बीन इंटरेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग UGC नेट। UGC ने जो नेट का जो एग्जाम है वह NTA को सौंपा है, तो फिर NTA अपना जो एग्जाम है वह लेती है। अबाउट UGC, देखो UGC के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, बट पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन है, तो पेपर फर्स्ट में UGC के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। UGC जो है वो हायर एजुकेशन का जो आपका पोर्शन है उसमें UGC को हम इंक्लूड करते हैं। तो UGC क्या है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज अ स्टैचुटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। UGC क्या है, स्टैचुटरी बॉडी है। दो टाइप के बॉडी होती है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम से वो बॉडी बनी वाली होती है, बट कुछ उसके बाद एक्ट पास करके कुछ बॉडीज बनाई जाती है, तो उसको स्टैचुटरी बॉडी कहा जाता है। UGC इज अ स्टैचुटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। जो 1956 का जो एक्ट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन बना है। वेस्टेड विथ टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वह बना था, दैट ऑफ प्रोवाइडिंग फंड्स एंड दैट ऑफ कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में फंड प्रोवाइड किया जा सके और कोऑर्डिनेशन हो, स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, इसीलिए UGC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ उनके मैंडेट्स दिए हैं, यह मैंडेट्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, नहीं तो आप इसको नोट डाउन भी कीजिए, क्योंकि बहुत बार इसमें ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो उनके मैंडेट क्या है, प्रोमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फिर सेकंड है डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, फ्रेमिंग रेगुलेशन ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कॉलेजिएट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, डिसबर्सिंग ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, फिर सर्विंग as a vital link between the union and state governments and institutions of higher learning, and last may advising the central and state governments on the measures necessary for improvement of university education। ये बहुत ही important points है, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी question आपको पूछा जा सकता है paper first में। December 2020 साइकिल, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है यह कंप्यूटर बेस्ड
टेस्ट होगी जिसे हम क्या कहते हैं सीबीटी। कई बार क्वेश्चन में आता है सीबीटी का क्या मतलब है, सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और एग्जाम का पैटर्न क्या है नए लोगों के लिए बताता हूँ, पेपर फर्स्ट जो रहता है आपका वो 100 मार्क्स का रहता है, तो उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो वह क्वेश्चंस बेसिकली टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट्स, ये जो जनरल पेपर इसे कहा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस 50 आपको वहाँ पे पूछे जाते हैं तो 100 मार्क्स के लिए। और पेपर सेकंड रहता है 200 मार्क्स के लिए जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर, इसके ऊपर इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल आर्स 3 आर्स रहते हैं, यानी कि 180 मिनट रहते हैं और कोई ब्रेक नहीं रहता। एग्जाम एक बार शुरू हो गए तो फिर लास्ट तक 3 आर्स कोई ब्रेक नहीं होता। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, देखो क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश और हिंदी ही आता है, अपना रीजनल लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम नहीं होती। जैसे कि अगर आप पर्टिकुलर कोई स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी कि सपोज आप यूपी का सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो हिंदी, सॉरी महाराष्ट्र का सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्वेश्चन पेपर महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में आता है, बट यहाँ पर ये नेशनल लेवल की जो एग्ज़ाम है इसीलिए इंग्लिश और हिंदी को ही इन्होंने प्रेफरेंस दिया है, दो ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर। तो आप इंग्लिश में मैक्सिमम पढ़ना, जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड से बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जो ओरिजिनल हिंदी है तो वह पढ़ने में, जो खुद हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए गिव प्रेफरेंस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। मार्किंग स्कीम क्या होता है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के, और फिर नेगेटिव सिस्टम इसमें नहीं होता है और हर करेक्ट क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनको मास्टर्स डिग्री में 55% होने जरूरी है, और जो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स है उनको 50% एटलीस्ट मार्क्स डिग्री में होने ही चाहिए। फिर जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है यहाँ पे उसकी वैलिडिटी, अगर आप आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन आता है तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप यूजीसी प्रोवाइड करता है। हर मंथ आपके अकाउंट पे यूजीसी मनी सेंड करता है, तो उसका वैलिडिटी 3 इयर्स रहता है। अगर आप इस बार समझो पास हो जाते हो तो 3 इयर्स उसका वैलिडिटी होता है। 3 इयर्स के बीच आप कभी भी पीएचडी ज्वाइन करने के बाद ही आपको ये पैसे मिलते हैं। जब तक पीएचडी आप ज्वाइन नहीं करोगे, रजिस्टर नहीं करोगे, तब तक आपको ये पैसे नहीं मिलते हैं। और सपोज अगर आपने आपका पीएचडी शुरू है तो जिस दिन रिजल्ट आया उसके बाद से आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर एज लिमिट, साधारणतः इसके लिए नॉर्मल एज लिमिट है जनरल के लिए 30 ईयर, बट अभी ये दिसंबर में एग्जाम होने वाला था बट दिसंबर में कोरोना की वजह से नहीं हुआ, तो इसीलिए उन्होंने एज लिमिटेशन जो है वो उसको बढ़ाया है। तो वह एज लिमिटेशन उन्होंने नॉट मोर देन 31 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, दैट इज फर्स्ट मार्च 2021, फर्स्ट मार्च 2021 तक आपके 31 से ज़्यादा ईयर्स होने नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही, जिन लोगों के पिछले अटेम्प्ट में जेआरएफ नहीं हुआ है या नीड भी नहीं हुआ है, सॉरी जेआरएफ के लिए, बेसिकली ये जिन लोगों का पिछले अटेम्प्ट में जेआरएफ नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो वह इस टाइम ये जो आपको मौका मिला है उसका आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। तो जनरली एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 5 इयर्स होता है, जो जनरल के स्टूडेंट्स है उनका 30 होता है, तो ओबीसी का 35 होता है, तो अब ओबीसी का 36 हो जाएगा क्योंकि एक साल हर एक के लिए एक्स्ट्रा है। तो रिजर्वेशन का क्या है, यहाँ पर
एससी को 50% 15% रिजर्वेशन होता है, फिर एसटी को 7.5% रिजर्वेशन होता है, 27% ओबीसी को होता है, फिर 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है उनको, उनके लिए रिजर्वेशन होता है उसमें। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन क्या है, देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने पार्लियामेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन 124 अमेंडमेंट बिल 2019 को 8 जनवरी 2019 को पार्लियामेंट में ये बिल बिल आ गया पार्लियामेंट में, तो उसके बाद वह बिल कम इनटू फोर्स ऑन 14th जनवरी 2019 एज 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 103rd उसका अमेंडमेंट एक्ट है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट के तौर पर उसको लिया गया है, तो कई बार बच्चे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है 2019 का 124, वही 124 को करेक्ट करके आते हैं, बट 124 तो वह ओनली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वह एक्ट नहीं बना है। एक्ट कब बनता है, जब लोकसभा राज्यसभा और जब प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं, परमिट करते हैं, तभी जाके वह एक्ट बनता है। तो यह डिफरेंस है एक्ट और बिल में। जो पार्लियामेंट में आता है कच्चे तौर पर वह बिल होता है, और जब वह पार्लियामेंट का लोकसभा फिर राज्यसभा दोनों पास करके फिर प्रेसिडेंट जब उसको असाइन करता है, पास करता है, तब जाके वह एक्ट बनता है। तो वह इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो एक्ट है वह 103 अमेंडमेंट एक्ट है वो। फिर जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी के जो लोग हैं विथ 40% और मोर डिसेबिलिटी, 40% और उससे ज्यादा डिसेबिलिटी जिनको है, ऐसे पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग लोग, उनको 4% रिजर्वेशन है इसमें। ये कितना परसेंट रिजर्वेशन है ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, बट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सेक्शन डिस्कस करने के लिए मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया है। तो पूरा जाके 63.5% रिजर्वेशन इस एग्जाम में होता है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है, आगे जाके फॉर्म किस तरह से आपको भरना है, फिलअप करना है, फिर कौन से सब्जेक्ट है, ये पूरी जानकारी इसमें डिटेल में दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो इस चैनल में जो आपका यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट है उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। हालांकि यह मेरा जो चैनल है बेसिकली सोशियोलॉजी का यह चैनल है, बट इसमें पेपर फर्स्ट के भी मैं जो लेक्चर्स है बच्चों के लिए मैं अपलोड करने वाला हूँ।